हेजल ब्लैट, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा अगर आपने रिसेंटली वन प्लस को फॉलो किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या है ये हेजल ब्लैट और क्यों इतनी मार्केटिंग की जा रही है हेजल ब्लैट के नाम पे। दोस्तों मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो टेक सेंट्रल। चलिए दोस्तों बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस छानबीन को। सबसे पहले अगर कोई चीज़ कोई भी करता है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल मून पे यानी कि चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा था, आपको तो पता ही होगा। ठीक उसी तरह जो मून की सरफेस है उसका पहला फोटो जो वो हेजल ब्लैट कंपनी के कैमरा ने खींचा था। दोस्तों यहाँ पे हेजल ब्लैट एक ऐसी कंपनी है जो कैमराज मैनुफैक्चर करती है, और इसकी प्राइस के बारे में मैं बात करूँ तो प्राइस तो इसकी पूछो। अब आते हैं दोस्तों वन प्लस पे। वन प्लस ने हेजल ब्लैट के साथ टाई अप करके कोलैबोरेशन करके एक नया कैमरा डेवलप किया है। दोस्तों ये जो कैमरा है ये वन प्लस 9 प्रो में लगा है, और यहाँ पे हेजल ब्लैट का कोई भी हार्डवेयर पार्ट नहीं लगा है, खाली यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कलर करेक्शन के लिए हेजल ब्लैट के साथ टाई अप किया है वन प्लस ने, और खाली कलर्स को नेचुरल बनाया है, कलर कैलिब्रेशन को इम्प्रूव किया है जिससे कि इमेज जो है वो 100% ओरिजिनल लगे। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर ये हुआ कि वन प्लस 9 प्रो मार्केट में आया हेजल ब्लैट कैमरा के साथ, यानी कि हेजल ब्लैट के सॉफ्टवेयर कलर इम्प्रूवमेंट के साथ, और यहाँ पे रिव्यूअर्स ने इसको यूज़ करना और इसको रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्मार्टफोन मार्केट है वहाँ पे मिक्स फीलिंग आने लगी, क्योंकि ये स्मार्टफोन 100% नेचुरल कलर तो कैप्चर करता था, लेकिन लोगों को नेचुरल कलर्स नहीं पसंद, लोगों को पसंद है ऐसे कलर्स जो कि पंची हो। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, अगर मैं आपको ब्लू स्काई दिखाऊँ तो आप कौन सी फोटो प्रीफर करोगे, ये वाली या फिर ये वाली? दोस्तों यही बात है, जो नेचुरल स्काई है वो तो ये है, लेकिन जो पंची कलर्स आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे वन प्लस के कैमरे में देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये कैमरा एक 100% नेचुरल कलर जो है उसी को कैप्चर करने लगा। अब बात करूँ दोस्तों अगर मैं कैमरा परफॉर्मेंस की या कैमरा कंपेरिजन की, तो यहाँ पर सब भच हो गया, यहाँ पे सब भच हो गया, क्योंकि दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन जो रिव्यूअर्स हैं उन्होंने वन प्लस के कैमरा को कंपेयर किया सीधा ले जाके सैमसंग के S21 अल्ट्रा से, या फिर सीधा ले जाके एप्पल के iPhone 12 Pro Max से। अब यहाँ पे दोस्तों हर डिपार्टमेंट में जो है दूसरे स्मार्टफोन्स आगे हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो रिकॉर्डिंग में आईफोन आगे है, और कैमरा फीचर्स में सैमसंग बहुत ज़्यादा आगे है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक मिस्टर हुज़ द बॉस की वीडियो के बारे में, तो वहाँ पे उन्होंने कैमरा रिव्यू किया था वन प्लस 9 प्रो वर्सेज सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का, और वहाँ पे दोस्तों एक ही डिपार्टमेंट में खाली वन प्लस विन हुआ था, बाकी सभी डिपार्टमेंट में जो है सैमसंग ने बाजी मारी थी। तो जिससे आप पता लगा सकते हो कि अगर मैं कैमरा कंपैरिजन की बात करूँ तो किस लेवल का वन प्लस का हेजल ब्लैट कैमरा है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट कैमरे के बारे में, तो वहाँ पे कोई भी हेजल ब्लैट की ब्लेंडिंग नहीं की गई है, लेकिन वन प्लस 9 प्रो जो कि आता है 65,000 रुपीज़ का, उसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है खाली 16 मेगापिक्सल का। मेगापिक्सल से कोई लेना देना नहीं है, कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदी है। अगर मैं बात करूँ तो 1080 पिक्सल्स पे ही ये वीडियो रिकॉर्ड करता है, 4K का कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के क्वालिटी के बारे में, तो आप देखो यहाँ पे इस वीडियो को, और यहाँ पे इस वीडियो की जो बैकग्राउंड है उसमें आप देखिए वाइट कलर जो है वो बार बार ब्लिंक हो रहा है, वाइट कलर दोस्तों यहाँ पे अप डाउन हो रहा है। मैंने 2-3 रिव्यूअर की वीडियो देखे, सभी के वीडियोस में सेम प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि जो फ्रंट कैमरा है वो कतई घटिया है यहाँ पे वन प्लस 9 प्रो का। तो यहाँ पे आईफोन 11 जो कि 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, और वहाँ पे भी आपको मिल रहा है 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पे वन प्लस ने कॉस्ट कटिंग की है और पूरे कैमरा की धज्जियाँ उड़ा दी है, यानी कि अगर आपको व्लॉगिंग करना है यहाँ पे इस स्मार्टफोन से, तो आप खाली बैक कैमरास का यूज़ करें, फ्रंट कैमरा का यूज़ करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। इन शॉर्ट दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको एक कैमरा फ़ोन चाहिए तो हेजल ब्लैट की ब्रांडिंग के पीछे बिल्कुल मत जाए। इसके सिवा यहाँ पे दूसरे स्मार्टफोन हैं जो बिना ब्रांडिंग के इससे अच्छा पिक्चर कैप्चर करते हैं, इससे अच्छा वीडियो क्वालिटी कैप्चर करते हैं, और ऐसे भी स्मार्टफोन हैं जो कि 2 साल पहले मैनुफैक्चर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 11, या फिर कोई भी आप आईफोन की लाइनअप ले लीजिए, वहाँ पर भी आपको अच्छे जो है प्राइजेस में स्मार्टफोन अवेलेबल है जिसके कैमराज जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 9 प्रो। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ब्रांडिंग की गई है, कोलैबोरेशन किया गया है, ये पूरी तरीके से फ्लॉप है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो शुरुआत हुई है वो अच्छी हुई है, हालांकि अभी सैमसंग के और एप्पल के कंपैरिजन में पहुंचने के लिए वन प्लस को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें अपना दिन रात का पसीना बहाना पड़ेगा, तभी जाके ये कंपनी जो है दूसरे स्मार्टफोन के कैमरे से कंपेयर कर पाएगी। दोस्तों ये थी हेजल ब्लैट की पूरी सच्चाई, मैंने आपको बताया।
बताया कि इसके पीछे का कैमरे का क्या रीजन है और क्यों यहाँ पे हेजलब्लेट की इतनी ज्यादा मार्केटिंग की जा रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपका कोई ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.